अलका बहन को समुद्र में यात्रा करने का शौक है और उसके लिए क्या करेंगे, एक शिप में जाना पड़ेगा और शिप को जाने के लिए एक कप्तान को पकड़ना पड़ेगा और शिप के कप्तान का नाम टोपीशंकर है। टोपीशंकर क्यों है? क्योंकि अखबार से वो टोपियां बनाते हैं। उन्होंने क्या कहा, रोज़ हम टोपियां बनाएंगे और अलका बहन आप रोज़ शाम को हमारे डेक पे आ जाना। चार दिन की यात्रा है, बम्बई से त्रिवेंद्रम जाएंगे, चार दिन लगते हैं और चार दिन में हम आपको आपके घर छोड़ देंगे, लेकिन शर्त क्या है, रोज शाम को डेक पे आना और मैं आपको रोज नई नई टोपियां बनाकर दिखाऊंगा या पहनाऊंगा। तो पहले दिन अलका बहन आ गई और टोपीशंकर ने ये वाली, ये तो आपने देखा था, तीसरा फोल्ड लगाया और ये बन गई हमारी खुमरी। तो अलका बहन को पहली टोपी पहना दी, बड़ी खुश, और इसलिए भी खुश कि खाना और पीना और ड्रिंक्स और सब कुछ वहाँ पर शाम को मुफ्त था, तो अगर मुफ्त में खाना पीना मिले तो एकदम चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो अलका बहन ने पहले दिन बढ़िया खाना खाया और शाम को अपने कमरे में चली गई और अगले दिन शाम को फिर आ गई और इस बार टोपीशंकर ने एक और फोल्ड लगाने के बाद एक आधा फोल्ड लगाया, हाफ फोल्ड, हाफ, और ये हाफ फोल्ड लगाने के बाद ये बन गई दूसरी टोपी। इसको बोलते हैं अग्निशमन कर्मचारी की टोपी, फायर वुमन्स हैट। जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं वो ऐसी टोपी पहनते हैं। थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे, ये वाला भाग हमारी गर्दन के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसको बचाता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, अगर वहाँ पर कुछ भी हो तो तुरंत शरीर खराब हो जाता है। दैट्स वाई जो अग्नि भार आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं इस तरह की पीछे चोंच निकली हुई टोपी पहनते हैं। दूसरा दिन भी हो गया, अलका बहन फटाफट खाना पीना सब खाकर कमरे में गई। तीसरे दिन फिर आ गई और इस बार टोपीशंकर ने एक और आधा फोल्ड लगाया, जो चोंच निकली हुई थी उसको वापस अंदर दबा दिया और ये बन गई तीसरी टोपी। इसको कहते हैं एडवेंचरर्स कैप, शंभू शिकारी की टोपी। जब भी अपन कहीं घूमने जाएं, शिकार तो नहीं करें लेकिन जब भी कहीं ऐसे घूमने जाएं, एक टिंकल नाम की बच्चों की मासिक पत्रिका आती थी उसमें शंभू शिकारी आता था, तो बिल्कुल वैसी ही टोपी है। इधर भी दिखा दीजिए सबको, बहुत बढ़िया। तीन दिन की यात्रा हो गई, खाते खाते फ्री का कितना खाएंगे, थोड़ा सा थकान हो रही है। तो टोपीशंकर ने कोई बात नहीं, चार दिन की यात्रा है, दो फोल्ड और लगाए, आखिरी टोपी आपके लिए हम बना देते हैं। और ये बना दी उन्होंने आखिरी टोपी, इसको कहते हैं पांडू कैप, पांडू की टोपी, पांडू हवलदार की टोपी। जो बंबई में हमारे पांडू हवलदार हैं सब यही टोपी पहनते हैं, पांडू हवलदार की टोपी। चार दिन की हो गई और टोपीशंकर ने कहा कि हम आपको इस नाव में बिठाकर आपके घर तक त्रिवेंद्रम में छोड़ देंगे। लेकिन अचानक कहानी में थोड़ा सा क्या ट्विस्ट आ गया, अचानक तूफान, सभी को कहानी पता है, नाव में समुद्र यात्रा में अचानक तूफान, इतनी जोर की बारिश की, आसमान बिल्कुल सफेद, बिजली कड़कड़ा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दो दो मीटर ऊंची लहरें हैं और नाव ऊपर नीचे जा रही है और अलका बहन को तैरना। और इतने में एक लहर आई, चोर की यहां पर थपेड़ा मारा और ये वाला भाग हटा नहीं है ना, तो इसका मतलब आप लोग कहानी में मशगूल हो गए, नाव का भाग ये वाला टूट गया तो नाव का नीचे जाना लाजमी था, जरूरी था। और ये कौन सी पिक्चर थी, टाइटैनिक। और इतने में एक दूसरी लहर भी आई, और देते हैं ना बला आती है तो जोर की आती है, इतने में दूसरी लहर आई और उसने यहां पर एक थपेड़ा मारा और ये वाला भाग भी। ये किस पिक्चर में है, टाइटैनिक, टाइटैनिक 2 यहाँ पर ही बन रही है लाइव, बिल्कुल यहीं पर। और अब तो बचना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के। सारी कहानी आपको पहले से ही मालूम है। तो एक और लहर आई, इधर भी थपेड़ा मारा और ये जो छप्पर था जहाँ से बैठकर टोपीशंकर पूरी नाव को कंट्रोल करता था वो वाला भाग भी। अब तो बिल्कुल बचना मुश्किल है और नाव बिल्कुल अंदर डूबती जा रही थी, लेकिन अलका बहन को टोपीशंकर के ऊपर पूरा विश्वास था क्योंकि उसके पास एक लाइफ जैकेट है और लाइफ जैकेट में पहनकर उनको उन्होंने त्रिवेंद्रम वापस छोड़ दिया।